मधुवापुर प्रखंड के आईटी भवन सभागार में सोमवार को प्रखंड प्रमुख लीला देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। वीडियो राजेश कुमार के संचालक में आयोजित बैठक में पीएम किसान सम्मान योजना का मुद्दा छाया रहा। बैठक में पंचायत समिति सदस्य दीपक सिंह ने पंचायत के किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। अधिकांश सदस्यों ने इस मुद्दे को लेकर काफी शोर किया। इसके जवाब में बीएओ प्राणनाथ सिंह ने कहा कि आवेदन वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है, शीघ्र ही किसानों का इसका लाभ मिलेगा। वहीं पंचायत समिति सदस्य राममोहन ठाकुर ने विद्यालय में एमडीएम योजना में एचएम के द्वारा भारी अनियमितता बरते हुए छात्रों की उपस्थिति की तुलना में एमडीएम पंजी पर अधिक छात्रों की हाजिरी बनाए जाने का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में वीडियो राजेश कुमार ने कहा कि मामले की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जबकि प्रखंड उप प्रमुख वीरचंद पटेल ने पंचायत समिति की योजना का पंचायतों के मुखिया के द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर मुखिया और उप प्रमुख के बीच काफी बहस हुआ। मामला शांत कराते हुए वीडियो ने जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय स्थापित कर विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने की अपील की। बैठक के दौरान कई सदस्यों ने बिजली विभाग द्वारा अधिक बिल दिए जाने की शिकायत की, जहां वीडियो ने बिजली विभाग के अधिकारियों को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखे जाने का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान सदस्यों ने पंचायतों में वास्तविक गरीब परिवारों को राशन कार्ड नहीं रहने का मुद्दा उठाया, जिसका सभी लोगों ने समर्थन करते हुए वैसे गरीब परिवारों को शीघ्र राशन कार्ड दिए जाने की मांग किया। इसके जवाब में वीडियो ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन वेरिफिकेशन चल रहा है, जिन गरीब परिवारों के द्वारा अब तक आवेदन नहीं किया गया है उन्हें आवेदन करने जनप्रतिनिधियों का सहयोग करने की अपील। बैठक में मनरेगा योजना के कार्य पर विचार विमर्श कर कार्य में तेजी लाने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया। बैठक में सीओ राम कुमार पासवान, बीसीओ सुधांशु कुमार, बीएओ प्राणनाथ सिंह, बीसी राजकरण ठाकुर, पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर महावीर प्रसाद, मुखिया शंभू पासवान, आरती कुमारी प्रदीप, पंचायत समिति सदस्य दीपक सिंह, राम मोहन ठाकुर, शिव कुमार ठाकुर सहित अधिकांश जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद थे। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।